तो ये दोस्तों, ये मेरे 1994 का, सन 1994 का ये इमरजेंसी लाइट है। ये काफ़ी दिनों से मेरे घर में ये ख़राब पड़ी थी, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं उठा रही थी। तो मैंने आज इसकी जो है बैटरी नई डाल दी इसमें, पुरानी बैटरी निकाल कर। तो अब ये बराबर काम कर रही है। तो ये दोस्तों, ये सिर्फ इमरजेंसी लाइट नहीं है, ये एक टू इन वन भी है। इसमें हम कैसेट भी चला सकते हैं और रेडियो भी चला सकते हैं। तो ये मैंने फॉरवर्ड किया अभी कैसेट, ये स्टॉप, ये प्ले। तो देखिए कितना, कितनी बढ़िया इसकी आवाज़ है, कितनी अच्छी, अच्छा साउंड है। तो ये उस टाइम दोस्तों, उस टाइम एक करिश्मा था ये हमारे लिए। जिनके घरों में भी होती थी ये चीज़, तो वो बड़ी अकड़ में होते थे, ये हर किसी के पास भी नहीं हुआ करती थी दोस्तों। तो मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरे घर में अभी भी ये चीज़ जो है अभी पड़ी है, और ये अभी भी बहुत काम दे रही है दोस्तों। ये अंधेरे में हम इसको जो है लाइट की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे चार्ज करके कहीं इधर उधर बजाने के लिए ले जा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, ये पीछे ये यहाँ पर स्पीकर दिया है, स्पीकर है, एक 3 इंच का स्पीकर लगा होता है। और ये साइड में देखिए, ये रेडियो टेप रेडियो सिलेक्टर है, ये जो स्विच है। और हेडफोन के लिए भी ये हेडफोन का जो पोर्ट दिया हुआ है, ये एंटीना भी बड़ा इसका छोटा जैसा होता था। तो ये ट्यूबें लगती थी इसमें दोस्तों, तो छोटी छोटी। ये इसका वॉल्यूम है, आप यहाँ से इसका साउंड कम ज़्यादा अपने मन मुताबिक बना सकते हैं। और देखने को भी बड़ा ही प्यारा दोस्तों, इसका लुक बहुत ही प्यारा था। तो उस दौर में ये बहुत ही डिमांड में होता था, इसे हर कोई लेना चाहता था। तो हमने भी लिया था उस वक्त, क्योंकि अक्सर बिजली आती जाती रहती थी तो घर में अंधेरा हो जाता था, तो दिक्कत हो जाती थी। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से टॉर्च जो है इसमें जलती है। तो मैंने लाइट बंद की है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, आप इससे जो है किसी को संकेत भी दे सकते थे, जैसे आप कहीं दूर खड़े हैं तो आप टॉर्च का जो है संकेत भी दे सकते थे। तो ये जली भी रहती है और ये डिप डिप पर भी होती है, देखिए डिप डिप भी होती है, जैसे गाड़ी का इंडिकेटर करता है, तो इंडिकेटर का भी काम करती थी ये। तो ये इसकी ट्यूब है, आप चाहे तो दोनों ट्यूब जला सकते थे एक साथ, और अगर आपको इसकी बैटरी जो है ज़्यादा देर चलानी है तो आप सिंगल भी इसका जो है ट्यूब जला के रख सकते थे। तो देखिए कितना बढ़िया है, अभी भी देखिए 20 साल के बाद भी है बिल्कुल उसी कंडीशन में दोस्तों। ये सोनाका कंपनी ने बनाया था, जो कि चाइना की कंपनी है, ये है तो चाइनीज है, पर चीज़ बहुत बढ़िया थी दोस्तों। आज भी ये डिमांड में है, आज भी बहुत लोग इसके जो है दीवाने हैं, इसे आज भी लोग पसंद करते हैं। तो ये इसका रेडियो देख लीजिए, रेडियो भी बहुत अच्छा है। ये मैं देखिए, ये एंटीना है दोस्तों, मैंने खोला नहीं है इसलिए तो कुछ इस तरह से हो रहा है। तो अगर मैं एंटीना खोल दूंगा तो फिर आवाज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये टेप में किया दोबारा मैंने, तो टेप बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। इसमें जो सॉन्ग हमने बहुत सुने हैं उस ज़माने में, बहुत बजाया है इसको हमने, चार्ज कर करके हम इसको जंगलों पिकनिक में ले जाते थे, कहीं सफ़र में चले गए तो वहाँ भी ले जाते थे हम इसको चार्ज करके। ये जो है एक बार चार्ज करने पे जो 8-9 घंटे। तो ये दोस्तों, ये मेरे 1994 का, सन 1994 का ये इमरजेंसी लाइट है। ये काफ़ी दिनों से मेरे घर में ये ख़राब पड़ी थी, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं उठा रही थी।
तो मैंने आज इसकी जो है बैटरी नई डाल दी इसमें, पुरानी बैटरी निकाल कर। तो अब ये बराबर काम कर रही है। तो ये दोस्तों, ये सिर्फ इमरजेंसी लाइट नहीं है, ये एक टू इन वन भी है। इसमें हम कैसेट भी चला सकते हैं और रेडियो भी चला सकते हैं। तो ये मैंने फॉरवर्ड किया अभी कैसेट, ये स्टॉप, ये प्ले। तो देखिए कितनी बढ़िया इसकी आवाज़ है, कितनी अच्छा साउंड है। तो ये उस टाइम दोस्तों, उस टाइम एक करिश्मा था ये हमारे लिए। जिनके घरों में भी होती थी ये चीज़, तो वो बड़ी अकड़ में होते थे, ये हर किसी के पास भी नहीं हुआ करती थी दोस्तों। तो मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरे घर में अभी भी ये चीज़ जो है अभी पड़ी है, और ये अभी भी बहुत काम दे रही है दोस्तों। ये अंधेरे में हम इसको जो है लाइट की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे चार्ज करके कहीं इधर उधर बजाने के लिए भी ले जा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, ये पीछे ये यहाँ पर स्पीकर दिया है, स्पीकर है, एक 3 इंच का स्पीकर लगा होता है। और ये साइड में देखिए ये रेडियो टेप रेडियो सिलेक्टर है, ये जो स्विच है, और हेडफोन के लिए भी ये हेडफोन का जो पोर्ट दिया हुआ है। ये एंटीना भी बड़ा इसका छोटा जैसा होता था, तो ये ट्यूबें लगती थी इसमें दोस्तों, तो छोटी छोटी। ये इसका वॉल्यूम है, आप यहाँ से इसका साउंड कम ज़्यादा अपने मन मुताबिक बना सकते हैं। और देखने को भी बड़ा ही प्यारा दोस्तों, इसका लुक बहुत ही प्यारा था। तो उस दौर में ये बहुत ही डिमांड में होता था, इसे हर कोई लेना चाहता था। तो हमने भी लिया था उस वक्त, क्योंकि अक्सर बिजली आती जाती रहती थी तो घर में अंधेरा हो जाता था, तो दिक्कत हो जाती थी। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से टॉर्च जो है इसमें जलती है। तो मैंने लाइट बंद की है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, आप इससे जो है किसी को संकेत भी दे सकते थे, जैसे आप कहीं दूर खड़े हैं तो आप टॉर्च का जो है संकेत भी दे सकते थे। तो ये जली भी रहती है और ये डिप डिप पर भी होती है, देखिए डिप डिप भी होती है, जैसे गाड़ी का इंडिकेटर करता है, तो इंडिकेटर का भी काम करती थी ये। तो ये इसकी ट्यूब है, आप चाहे तो दोनों ट्यूब जला सकते थे एक साथ, और अगर आपको इसकी बैटरी जो है ज़्यादा देर चलानी है तो आप सिंगल भी इसका जो है ट्यूब जला के रख सकते थे। तो देखिए कितना बढ़िया है, अभी भी देखिए 20 साल के बाद भी है बिल्कुल उसी कंडीशन में दोस्तों। ये सोनाका कंपनी ने बनाया था, जो कि चाइना की कंपनी है, ये है तो चाइनीज है, पर चीज़ बहुत बढ़िया थी दोस्तों। आज भी ये डिमांड में है, आज भी बहुत लोग इसके जो है दीवाने हैं, इसे आज भी लोग पसंद करते हैं। तो ये इसका रेडियो देख लीजिए, रेडियो भी बहुत अच्छा है। ये मैं देखिए, ये एंटीना है दोस्तों, मैं एंटीना मैंने खोला नहीं है, इसलिए तो कुछ इस तरह से हो रहा है। तो अगर मैं एंटीना खोल दूँगा तो फिर आवाज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये टेप में किया दोबारा मैंने, तो टेप बहुत अच्छा चलता है दोस्तों इसमें। जो सॉन्ग हमने बहुत सुने हैं उस ज़माने में, बहुत बजाया है इसको हमने, चार्ज कर करके हम इसको जंगलों पिकनिक में ले जाते थे, कहीं सफ़र में चले गए तो वहाँ भी ले जाते थे हम इसको चार्ज करके। ये जो है एक बार चार्ज करने पे जो 8-9 घंटे